السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يقول الله جل وعلا في كتابه الكريم: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. कह दीजिए कि जानने वाले और बराबर न जानने वाले क्या दोनों बराबर हो सकते हैं? अल्लाह का फजल और उसकी तौफीक है कि हमने अगस्त और सितंबर के इस महीने में तफसीर और हदीस के लेवल वन को मुकम्मल किया। तीन लेवल हमारा होगा और लेवल वन में सिलेबस कम होता है बनिस्बत लेवल टू के, और लेवल टू इससे ज़्यादा रहेगा और लेवल थ्री उससे ज़्यादा। अब चौथी क्लास, पांचवी, छठी क्लास का आप देखें सिलेबस जैसे ऊपर जाएंगे बढ़ता जाएगा। तो चंद सूरतें सूरह अलख के बाद, और इसी तरह हदीस में अरबईन नबी की चंद हदीसें, और उसके बाद एग्ज़ाम हुआ। एग्ज़ाम के दो मकासद होते हैं हमारे यहाँ जो हिंदुस्तान में एग्ज़ाम होता है दुनिया में, वो मुलाजमत के लिए, तरक्की के लिए कि हमें इससे जॉब मिल जाएगा, तरक्की मिल जाएगी, और उस एग्ज़ाम का भी मकसद वही है जो आपके एग्ज़ाम का मकसद है। एग्ज़ाम का मकसद होता है कि जो कुछ आपने पढ़ा है उसको आप कितना जब्त किए हैं, कितना आपने उसको सेव किया है, कितना आपने, आपके ऊपर एतमाद है, कॉन्फिडेंस है कि आप उसको अच्छी तरह से बयान कर सकते हैं, जान सकते हैं। बाज दफ़ा आदमी सही चीज़ जानता है लेकिन उसके अंदर हिम्मत नहीं कि उसे वो बयान कर सके। एग्ज़ाम जब दे दिया तो अब उसकी मालूमात बिल्कुल परफेक्ट हो गई, पैटेंट हो गई। इसीलिए आप देखिए बड़े बड़े एग्जाम लोग दो बार तीन बार देते हैं, यूपीएससी वगैरह का है, नीट है, JEE का, कि एक बार चलो बैठ के देखते हैं जो कुछ हमने पढ़ा है, पैटर्न वगैरह कैसा है, मालूमात, फिर अगली बार निकाल ले जाएंगे। ऐसा नहीं कि उससे कोई बड़ी बेइज्जती हो जाती, आप 10 बार में निकालिए, ये नहीं कोई पूछेगा कितनी बार में आपने सीट निकाली। निकाल लिए, ओहदे पर बैठ गए, मिल्लत के लिए काम कर रहे हैं तो आपके काम को देखा जाएगा। देर कितना हुई कुछ नहीं। एक आदमी कुरान हिफ्ज करता है 2 महीना 4 महीना साल 2 साल में, दूसरा 6 साल 8 साल में। जब वो खड़ा हुआ मुसल्ले पर, कोई ये नहीं पूछेगा कई साल में हिफ्ज किए हो, पढ़ा रहे हो, उसके बाद फैसला होगा कि तजवीद कैसी है, किरात कैसी है, हिफ्ज कैसा, अंदाज कैसा है। तो आप का वक्त लगे, मालूमात में आप जो है शकुशुबे में हो, इससे घबराने की बात नहीं। सहाबा भी कभी कभी कन्फ्यूज हो जाते थे। हदीस आपको मैंने कोर्स में बताई थी, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से सवाल किया कि वो कौन सा दरख्त है जिसके पत्ते नहीं झड़ते। बिल्कुल आसान सा सवाल है, सवाल किसने किया? नबी ने। किससे? अपने सहाबा से, उम्मत के सबसे अफजल लोग थे नबी के बाद। किसी ने जवाब नहीं दिया। फिर थोड़ी देर के बाद खुद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि वो दरख्त खजूर का है। घर वापस आए सारे लोग, अब्दुल्ला इब्न उमर जो 8-9 साल 10 साल के बच्चे थे, इनको जवाब आता था, जवाब देने की हिम्मत नहीं थी, जैसे कहते हैं खौफ दूर हो जाना, हटक खुल जाना। अपने वालिद उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु से कहते हैं कि वालिद मोहतरम, जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सवाल किया तो मेरे जहन में यही जवाब यही आया था कि खजूर का दरख्त होगा, लेकिन देखा कि सारे लोग खामोश हैं, बड़े बड़े सहाबा खामोश हैं, तो मेरी हिम्मत नहीं पड़ी कि मैं कुछ कहूँ। तो उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा कि बेटे, अगर तुम उस वक्त नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में जवाब दे देते तो मुझे इंतहाई खुशी होती, बहुत खुशी होती। एक बाप नबी की मजलिस में ऐसे सवाल का जवाब अपने बेटे से सुन ले जो और कोई ना जानता हो, तो सवाल जवाब के जरिए तवज्जो को मबजूल करना, मुतवज्जा करना, बहुत भूली हुई चीज़ों को जमा करना, ये इल्म सिखाने का या इल्म को पुख्ता करने का
इल्म बिखरा है समेटने का एक जरिया होता था। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक बूढ़ी औरत का वाकया है कि जन्नत की दुआ कीजिए या इस तरह की हदीस है, तो आपने कहा बूढ़ी जन्नत में नहीं जाएगी, बहुत परेशान हो गई, रोने लगी, तो फरमाया आपने कि जन्नत में जाने वाले खूबरू खूबसूरत जवान होकर जाएंगे। तब उसको इत्मीनान हुआ। बात सच है, सब है, लेकिन सवाल जवाब के जरिए बास चीज़ें बिल्कुल ऐसी वाज़े हो जाती हैं कि आदमी को पुख्ता यकीन हो जाता है कि ये चीज़ नंबर एक है, मेरी मालूमात दुरुस्त है। इम्तिहान का यही मकसद होता है कि जो पढ़ाया गया आपने कितना समेटा। बस दफा सही चीज़ आप जानते हैं, लिखने में गलती कर देते हैं, तो इम्तिहान का यह भी मकसद है कि आप सही चीज़ को सही वक्त पर सही अंदाज में बयान कीजिए। हाजिर जवाबी जिसको कहते हैं। एक मुसलमान जानता है कि मेरा दीन सही है, कुरान सही है, कोई गैर मुस्लिम आपको कन्फ्यूज करे तो आप के अंदर इतनी सलाहियत होनी चाहिए, हैबिट, कि आप अपना डिफेंस कर सकें और ये इल्म से कर पाएंगे। इल्म ऐसा हथियार है जिससे आप दुनिया की हर कौम का मुकाबला कर सकते हैं। आप इस दौर में हिंदुस्तान में ख़ास तौर से कितना भी छुपाएं अपने आप को, इस्लाम छुपने वाली चीज़ नहीं है। जैसे कोई मुसलमान सोचे कि मैं पोश एरिए में रहूं, दाढ़ी ना रखूं, मेरी बीवियां या बच्चियां पर्दा ना करें, लगे ना कि हम मुसलमान हम गैरों के साथ अपने आप को हाई फाई समझ करके रहेंगे और हम इन मुसलमानों की तरह से नहीं हैं, हम अलग हैं। दुश्मन आपको अलग नहीं समझता है। मिसाल देखते हैं, हिंदुस्तान से मिसाल लीजिए, पार्लियामेंट में बदरुद्दीन अजमल को देखिए, वसी क्या नाम ओवैसी को देखिए और कल दानिश अली को देखिए, तीनों की शक्लों को देखिए। वो ऐसी शक्ल से मुसलमान दिखते हैं, बदरुद्दीन अजमल भी मौलाना दिखते, मौलाना है भी, और दानिश अली की शक्ल सूरत आप देखिए। अगर आप नहीं बताएंगे कि ये दानिश अली हैं तो पहचान नहीं रहा है कोई, तो उनकी शक्ल लिबास रहना सहना कोई नहीं कहेगा कि ये मुसलमान है। लेकिन दुश्मन उनको जो टारगेट करता है वो मुसलमान की वजह से। आप अपनी पहचान छुपाएंगे तो उससे कोई फायदा नहीं, बेहतर है कि शान से जिए। मुसलमान औरत हिजाब और नकाब के साथ सर फख्र से बुलंद करे, मुसलमान मर्द अपनी पहचान, अपने लिबास, अपने शक्ल सूरत कारोबार रोजी रोटी बिल्कुल हलाल और साफ सुथरी शक्ल। दुश्मन जान जाएगा कि आप मुसलमान हैं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, और आप कितना भी अपने आप को छुपाएंगे आप छुप नहीं सकते, मुसलमान छुपने वाली चीज़ नहीं है। दाढ़ी मोड़ लें, औरतें बेहिजाब हो जाएं, घर ओपन हो जाए, गैर मुस्लिम दोस्त आए जाएं उनके साथ उठे बैठे, इससे उसकी दुश्मनी कम नहीं होगी, बोझ कम नहीं होगा। कब तक? जब तक कि आप उसके दीन को कबूल न कर लें, जब तक कि आप उसके जैसे काफिर न हो जाएं। उनके दिल की तमन्ना वद्दू लौ तकफुरू कमा कफरू फतकूनून सवा, अल्लाह ने उनके दिलों की तमन्ना बयान की कि वो चाहते हैं जैसे वो काफिर हैं तुम भी काफिर हो जाओ, बराबर हो जाओ। इसलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम की शक्ल में जो दीन दिया, जो प्यारी नेमत दी, हमें उसकी रोशनी में ज़िंदगी गुजारना है। और जितना ज़्यादा आप दीन से करीब रहेंगे, दीन पर चलेंगे, अमल करेंगे, अल्लाह ताला आपकी मदद करेगा। इबादल्लाह इदा रुऊ ज़ुकर अल्लाह, अल्लाह के बंदे तो वो हैं कि उनको देखो तो अल्लाह याद आ जाए। कोई मुसलमान अगर बेनमाजी है, शक्ल सूरत भी अलग है, लिबास भी टखने से नीचे है, ज़िंदगी का मेयार भी अलग है, आप उसको पहचान करके ये फैसला नहीं कर पाएंगे देख करके कि मुसलमान है गैर मुस्लिम, जबकि मुसलमान की पहचान कि उसे देख करके अल्लाह याद आए। और शैतान किसको देख करके याद आता है? शैतानी लोगों को, बुरे लोगों को देख कर शैतान याद आता है, दो ही कटघरी है। इसलिए ये इल्म जो सुन्नत का और हदीस का और तफसीर और कुरान का हम सीख रहे हैं, ये हमें दुनिया में जब तक जिंदा रहेंगे दुनिया में एक मुसलमान की हैसियत से
जिंदगी गुजारने पर मदद करेगा। और एक मुसलमान की जिंदगी गुजारेंगे, मौत भी इस्लाम पर होगी। फिर अल्लाह से जब मुलाकात करेंगे हम, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन हमसे राजी और खुश होगा कि जिस मकसद से बंदे को दुनिया में भेजा, उस मकसद को और उस तकाजे को बंदे ने पूरा किया। इसीलिए पहला पैगाम अल्लाह ने इकरा की शक्ल में दिया कि इल्म के बगैर तुम्हारी कोई हैसियत नहीं है। और सारे इल्म, जिस इल्म की जरूरत है बंदा हासिल करे, लेकिन पहले रब की इबादत और बंदगी का जो इल्म है, ये सब पर फर्ज है। इसको जो नहीं सीखेगा वो गुनहगार होगा। और दुनिया के उलूम ये वक्त की जरूरत है। सबकी जरूरत अलग अलग होती है, सबकी फील्ड अलग अलग होती है, सबके हालात और तकाजे अलग अलग होते हैं। लेकिन दीन के मामले में, सुन्नत के मामले में, हर शख्स अल्लाह के इल्म दीन और शरीयत का मोहताज है। खुशी है हमारे लिए, खुशी का मकाम है कि न्यू बम्बई का ये बंजर इलाका, नया इलाका, जहाँ दूर दूर से आप लोग हर घर के सेक्टर 12 में इस मकाम पे मस्जिद में जमा हो करके मर्द और ख्वातीन इल्म हासिल करने के लिए आते हैं, इससे बेहतर कोई मजलिस नहीं, इससे बेहतर कोई अमल नहीं और कोई वजीफा नहीं है, कोई प्रोफेशन नहीं है इल्म सीखने और सिखाने के से बढ़ करके। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान वअल्लमहु, तुम में का सबसे बेहतरीन वो है जो कुरान को सीखे और सिखाए, इससे बेहतर दुनिया में कोई नहीं। तो हम अल्लाह की इस नेमत पर अल्लाह का शुक्रिया अदा करते हैं कि अल्लाह ने हमें अपने बेहतरीन बंदों की सफ में शामिल किया। अल्लाह हमें इस्तिकामत बख्शे और इल्म की पुख्तगी अता फरमाए। हमारी ख्वातीन, हमारी बेटियां, हमारी बहनें दूर दराज से इल्म को सीखने के लिए अपने काम काज को छोड़ कर या उसको समेट कर, शार्ट करके यहाँ आती हैं और इल्म को मजबूत और पुख्ता करती हैं। काबिले मुबारकबाद हैं आप लोग, हमारी बेटियां और हमारी बहनें, जो इस किस्म की इल्मी मजलिस मजालिस इल्म से जुड़ करके इस बम्बई के माहौल में, आज ख़ास तौर से गणपति के दौर में, जहाँ देखें बड़ी बड़ी मूर्तियाँ, बड़े बड़े बुत नसब हैं, शोर हंगामा होता है, इन हालात में अल्लाह ने अपने इस घर में जमा करके दीन सीखने के हमें तौफीक बख्शी। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला ये इल्म की रोशनी और ये चराग हमारे घरों में हमेशा जलता रहे और हमारी आने वाली नस्लों में भी इल्म दीन की रोशनी फैलती रहे, जारी रहे, ताकि हम कुफ्र के, इल्हाद के, दहरियत और गुमराही के अंधेरों से हम अपने आप को दूर रख सकें। और बहुत बहुत मुबारकबाद आप तमाम लोगों को जिनके नंबरात हाई फाई हैं, उन्हें भी, कम हैं उन्हें भी, और जो कम हाजिर हुए या ज़्यादा, तमाम लोगों को मुबारकबाद कि दीनी मजलिस में हाजिर होने का अजर इंशाअल्लाह सबको मिलेगा। और जवाब की कापी इसलिए दे दी गई ताकि अपने जवाब मिला लें कि कौन सा सवाल गलत है। बाज़ दफ़ा आदमी जानता है लेकिन कन्फ्यूज़न होता है, तो वो भी आपका दूर हो जाएगा। यही इल्म है, इसी तरह सीखने को कहा गया। अगर सिर्फ पढ़कर घर चले जाते, क्या सही है क्या गलत है बयान करने में आपको दिक्कत होती। अब जितना आपने एग्ज़ाम में जवाब दिया है, उतने में आप बिल्कुल परफेक्ट हो गए इंशाअल्लाह। अब वो इल्म आपका पुख्ता हो गया। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह हमें इल्म की पुख्तगी अता फरमाए और दीन पर इस्तिकामत अता फरमाए और हमारे हलोयाल में, घराने में, ख़ानदान में इल्म का चराग हमेशा जलता रखे, रोशन रखे। आमीन। वसल्लल्लाहु अला नबीना मुहम्मद वाला आलिही वसहबिही अजमाइन।